Yes, very good morning. So yesterday I received homework, but there was a lot of confusion. So I thought I can just discuss about this again so that you don't have any confusion. So yesterday we discussed two sounds, that is I sound and ear sound. Okay. So a lot of you mix this over here and there and split digraph ko IGH mein likha. IGH को कहीं तो यहाँ लिख दिया, ऐसे कंफ्यूज करके लिखा था बहुत लोग ने। तो आपको जो कंफ्यूजन है वो सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने बोला और एक बार आपको बता देती हूँ। अभी जो ये आई साउंड है वो चार टाइप के साउंड्स है, यहाँ पर लिख के रखा। देखिए, एक तो स्प्लिट डायग्राफ आएगा आई ई स्पेलिंग में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बाइक, प्राइड, प, र, आईड। ई जो है अपना नाम नहीं बोलेगा, आई जो है अपना नाम बोल रहा है, क्योंकि जो ये मैजिक ई है आईड प्राइड, तो यहाँ पे आई अपना नाम बोल रहा है, अपना साउंड नहीं निकाल रहा है। तो ये जो स्प्लिट डायग्राफ में ऐसा ही होता है, स्प्लिट डायग्राफ बोलो या तो मैजिक ही बोलो, दोनों एक ही है, अलग अलग नाम है। ओके, तो ये क्लियर है आपको। और जब भी ट साउंड के आगे आई आई ऐसा आ रहा है तो आई जी एच ही होगा मोस्टली, नाइट, फ्लाइट, ब्राइट, प्लाइट, ऐसे साइट, जो भी ऐसे ट के आगे आई साउंड आ रहा है तो वो आई जी एच ही होगा, जो कि ट्राइग्राफ है, ट्राई ट्राई टी आर आई ट्राई ट्राइग्राफ। ओके, वो ये डायग्राफ है मगर स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट किससे हुआ है? एक कॉन्सनेंट से स्प्लिट हुआ है, इसलिए इसको स्प्लिट डायग्राफ बोलते हैं। और इसको टाट्राई, तीन अक्षर हैं इसमें, इसलिए ट्राइग्राफ बोलते हैं। ओके, ये क्लियर। और ये जो है वाउल टीम है, वाउल दो वाउल है। ओके, वाउल नहीं बोलने का, वाल वाल ऐसे बोलने का, इसलिए आपको मैं दोनों प्रोनाउंस करके बताती हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसको वाउल वाउल ही बोलते हैं, तो इसको वाल, इसमें दो वाल है, तो इसीलिए पहला वाला अपना नाम बोलेगा, ट आई टाई, प आई पाई, ल आई लाई, आई आई करके अपना नाम बोलेगा, क्योंकि आई का क्या साउंड है, आई का क्या साउंड है, इ इ इ ई साउंड है ना बच्चों, तो इसीलिए यहाँ पर मगर ये सब अपना नाम बोल रहा है आई 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 करके। ओके, और ये जो है वाई भी अपना कभी कभी यहाँ पे लिखा है, देखिए वाई अपना आई साउंड करता है, कभी कभी ई साउंड करता है, य साउंड ही है उसका, एक्चुअली में य है, मगर कभी कभी लास्ट में जब आता है तब आई का साउंड करता है, नहीं तो ई का साउंड करता है। तो ये और ये कंफ्यूज मत होइए, साथ में क्यों सिखा रही, ताकि आपको यहाँ पर भी है ना आई का साउंड आ रहा है मगर हम वाई लिख रहे हैं इसीलिए। और कभी भी हम क्राई को क्राइज करते हैं तो ये वाई को काट के आई ई एस ऐड करें, वाई को काट के यहाँ पे देखिए ड्राइज, ट्राई बन गया ट्राइज। तो स्पेलिंग जब लिखने के टाइम में वाई को निकाल के वाई के बदले, क्योंकि वाई जो है आखिर में आएगा, ऐसे नहीं लिखोगे क्राई, ये गलत होगा ना, क्राई का स्पेलिंग लास्ट में आई का साउंड आया तो आई नहीं लिखने का, उसके बदले वाई लिखने का। उसके लिए मैंने आपको एक कहानी भी बताई थी कि वाई जो है बहुत शर्माता है, वो लास्ट में नहीं आता है, तो वह आई जो है शर्माता है, तो वो क्या बोलता है, वाई तू जा ले, मैं बहुत पतला हूँ, तू जा मेरे बदले, तू जाके बैठ जा। तो इसलिए ऐसे बच्चों को स्टोरी बताते हैं हम लोग कि वाई मैं बहुत पतला हूँ, इसलिए मैं आखिर में नहीं आऊंगा, सो यू प्लीज गो इंस्टेड ऑफ मी, दैट्स व्हाई आई मे वाई कम्स इन द लास्ट एज आई साउंड। क्लियर, ये क्लियर हो गया। इंग्लिश में इस कहानी को कैसे बोलते हैं, आई फील शाई सो इट आस्क द टफी वाई, इसको टफी वाई बोलते हैं, टफी वाई टू टेक इट्स प्लेस, यू टेक माई प्लेस। क्लियर, दिस इज क्लियर नाउ। और ये जो है तो उस साउंड के नीचे वो लिखिए, अभी अचानक यहाँ पे आके कोई नाइट लिख रहा है, तो ये यहाँ पे आई जी एच है ना, तो ये स्प्लिट डायग्राफ है ना, और कोई कोई तो ये वाला यहाँ पर लिख रहा है टाई करके, ये टाई यहाँ पर कैसे आएगा, ये स्प्लिट डायग्राफ है, ये यहाँ पर आना चाहिए ना। ओके, तो ऐसे कंफ्यूज करके मत लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। वैसे य में जो है य, याम, य आ
याच, TCH ट्राइग्राफ मैंने सिखाया हुआ है आपको, याच, येट। और यहाँ पर वापस आई जो है, वाई जो है आई का साउंड करता है, माइस का, ये दोनों एक ही है, मगर मैं यहाँ पर आई के टॉपिक में बता रही हूँ, और यहाँ पर वाई के यहाँ पर बता रही हूँ कि वाई जो है तीन साउंड करता है। तो वाई क्या क्या तीन साउंड करता है? एक तो ई साउंड करता है, और एक तो आई साउंड करता है, और एक तो यर साउंड। यहाँ पर देखिए, स अ र ई, सॉरी, इसको स अ र आई, सॉराई, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, राइट। ग र ई, ये भी डायग्राफ है, ग र ई ड, ग्रीड ई, ग्रीडी। स्ट इक, दोनों क साथ में आ रहे हैं, तो क ही एक ही बार पढ़ेंगे, स्ट इक, स्टिक ई, स्टिकी। इज इट क्लियर? क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए, डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछिएगा, पूछिएगा डाउट है तो। नहीं, डाउट्स नहीं है, क्लियर। मैं आगे बढ़ू, स्प्लिट मीन्स वही मैंने बताया था ना प्रीति जी, स्प्लिट माने ये मैं रब कर रही हूँ वहां पे, और एक बार बता रही हूँ, अभी समझ गए तो, स्प्लिट। ओके, तो यहाँ पर आई ई ये जो है साथ है, यहाँ पर देखिए बाइक में क्या हो रहा है, ये दोनों अलग हो रहे हैं, स्प्लिट, यानी कि ये दोनों साथ में हैं, ये दोनों साथ में हैं, अभी इसने आके, ब्लू वाले ने आके इन दोनों को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट यानी कि दोनों को अलग कर दिया, हाँ स्प्लिट कर दिया, तो इसलिए तो ये स्प्लिट डायग्राफ हो गया, स्प्लिट। आई डैश ई, ये डैश में कोई भी कॉन्सनेंट आ सकता है, जैसे कि बाइक में क आया, प्राइड में ड आया। ओके, क्लियर, आगे बढ़ो, मैं कुछ डाउट है तो बताइए, चैट बॉक्स में पूछिए। नो डाउट्स, नो डाउट्स, ओके, आई एम गोइंग फर्दर, सबने थम्स अप दे दिया, ठीक है, ओके। अभी होमवर्क वापस करके भेजिए, प्लीज डू द होमवर्क अगेन, डोंट कंफ्यूज बिटवीन द साउंड्स लाइक दैट, ओके। नाउ लेट्स गो टुडे, ऑलरेडी इट्स टाइम अप, एनीवे मैं जो कवर कर सकती हूँ मैं कर, और होली के बारे में कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है, तो कल मैं होली के बारे में भी डिस्कस करूंगी, बहुत लोग ने लिख के भेजा है, मगर थोड़े बहुत वोकैबुलरी करेक्शन है, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक, नहीं दिख रहा बोर्ड अभी, दिख रहा है बैंक अकाउंट, इंडिया में हम देखेंगे, ओके, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट इन इंडिया। पहले तो कैसे टाइप के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स रहते हैं, और कैसे कैसे टाइप्स के रहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जिसको हम बहुत लोग नेशनलाइज्ड बैंक करके बोलते हैं, ओके, इसको पब्लिक सेक्टर या तो नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं, ओके। फिर प्राइवेट सेक्टर आता है, ओके, जो प्राइवेट बैंक्स होती हैं वो मैं एग्जांपल आपको दूंगी, और दूसरे जो है फॉरेन बैंक्स होते हैं। अभी इसके एग्जांपल्स जो होते हैं हमारे एसबीआई जो है, आपको एसबीआई का फुल फॉर्म चाहिए तो मैं बोलती हूँ, आप लिख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब करके जाना जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक है, आईओबी, ऐसे बहुत सारे और हैं, मैं दो तीन नाम आपको एग्जाम्पल के तौर से लिखती हूँ, फिर आईओबी करके है, यस, इंडियन ओवरसीज बैंक करके, और जो हमारे एसबीआई है वही लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, इसको किंग ऑफ इंडिया बैंक के
विच इज द बैंक, विच बैंक इज द किंग ऑफ इंडिया करके पूछा तो एसबीआई है। ओके okay? वो सिर्फ जानकारी के लिए दे रही हूँ, हम आगे जाएंगे। ओके तो ये क्या है, पब्लिक सेक्टर मैंने इसका क्या है, ये जो बैंक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके सो बैंक विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई इट्स नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। तो पहले पहले प्राइवेट सेक्टर ही थे, मगर लोगों को उधर प्राइवेट में खाता खोलना उसमें विश्वास नहीं था, तभी आया ये नेशनलाइज बैंक। गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास रहता है तो मोस्टली लोग ये प्रिफर करते हैं, नेशनलाइज बैंक प्रिफर करते हैं, मगर आजकल सब कुछ प्रिफर करते हैं। तो ये किस, एचडीएफसी बैंक है, जैसे आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सब प्राइवेट बैंक हैं, फेडरल बैंक है, ऐसे बहुत सारे, आईडीबीआई। ओके आईडीबीआई, फेडरल बैंक, ये सब जो है अपना प्राइवेट बैंक है। 1 2 3 4 5, 5 एग्जाम्पल्स दिया है यहाँ पर भी, आई थिंक 1 2 3 4 और भी है, आपको लिखना है लिख लीजिए। ओके राइट, नेक्स्ट वी हैव दी फॉरेन बैंक, सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ओके फिर द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ऐसे बहुत सारे बैंक्स होते हैं फॉरेन बैंक्स। एचएसबीसी बैंक है, यहाँ पर बोर्ड नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख रही हूँ एचएसबीसी बैंक, ये भी एक बैंक है। ओके सो ये 4 तरीके के फॉरेन बैंक्स का नाम दिया है मैंने, 4 बैंक्स फॉरेन बैंक्स का। तो बेसिकली आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी आप बैंक्स का नाम जान लीजिए, अभी आगे जाके हमको कितने टाइप्स के अकाउंट्स हैं अगर वो जानेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे खाता खोले और कौन सा खाता खोले, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी जान लीजिए कि कौन सा नेशनलाइज बैंक है, कौन सा प्राइवेट बैंक है और कौन से फॉरेन बैंक, भारत बैंक है, हाँ ओके भारत बैंक, यस ओके कैनरा बैंक, भारत बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक होते हैं। ओके आई हैव गिवन ओनली अ फ्यू यहाँ पर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नाउ वी सॉ कमर्शियल बैंक्स जो जो है, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। ओके जो बहुत ही कॉमन है, तो पहला वाला है जो है सेविंग्स अकाउंट। ओके ये कौन है, कोई भी आम आदमी जो है ओपन कर सकता है सेविंग्स अकाउंट। ओके अभी सेविंग्स अकाउंट में भी आपको बहुत तरीके के हैं, जैसे कि इन डेप्थ हम ना इन देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ बाद में, अभी पहले टॉपिक्स लिख देती हूँ, फिर करंट अकाउंट। तो ये मिनिमम बैलेंस के साथ भी ओपन किया जा सकता है, मिनिमम बैलेंस बिना भी ओपन किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर होते हैं। जैसे कि ये सेविंग बैंक में आपको पहले यहाँ पर चाहिए तो पहले लिख लीजिए रेगुलर सेविंग, सेविंग्स अकाउंट। फिर जीरो बैलेंस, इस सेविंग्स अकाउंट को एसबी अकाउंट करके लिखती हूँ, एसबी अकाउंट। ओके यहाँ पर फुल्ली मैं स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ। फिर यहाँ पर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन माने क्या, जो 60 साल के ऊपर होते हैं उनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग बैंक अकाउंट। ओके फिर वुमेन्स, अभी आजकल वुमेन्स, विमेन्स सेविंग अकाउंट। फिर बच्चों के लिए भी आजकल आ रहा है, किड्स सेविंग अकाउंट। ओके सो इतने तरीके के, और फैमिली के लिए भी, पूरा परिवार के लिए भी फैमिली सेविंग अकाउंट।
तो यहाँ पर इतने तरीके के सेविंग अकाउंट हैं। ओके टाइम क्या हुआ है? ओके है हमारे पास टाइम। ओके राइट, देन वी हैव द करंट अकाउंट। ओके नाउ दिस इज मोस्टली फॉर होम, ये किसके लिए है मोस्टली? ये मेनली कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस यानी कि क्या, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं, कॉलेज हॉस्पिटल, ये सब जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके लिए ये सही रहता है, क्योंकि ये उनका ट्रांजैक्शन जो है बहुत बार होता है, तो उनको इट्स अलाउड, दे कैन हैव अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। और यहाँ पर क्या बोले, एक तो बात, ट्रांजैक्शंस जो है नो लिमिट, लिमिट नहीं होती है कि एक एक दिन में इतना ही ट्रांजैक्शन होता है, ऐसा करके कोई लिमिट नहीं रहता है करंट अकाउंट में। मगर इनका जो मिनिमम बैलेंस है, बैंक टू बैंक जो मिनिमम बैलेंस है, मिनिमम बैलेंस माने क्या है, जो बैंक में हम जब खाता खोलते हैं एक अमाउंट डालते हैं ना, तो जो मिनिमम बैलेंस है उनका जो है मोस्टली हाई रहता है। हाई यानी कि अभी नॉर्मल यहाँ पर रेगुलर सेविंग अकाउंट में 1,000 रुपया मिनिमम बैलेंस रहता है। अब यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, जीरो बैलेंस माने आपको जरूरत नहीं है, अगर तो आपको चाहिए तो आप पूरा 100 रुपया भी वहां नहीं रख के आप निकाल सकते हो। मगर अगर ये रेगुलर सेविंग अकाउंट में बैंक ने बताया है कि आपको 1,000 रुपया आपको बैलेंस मेंटेन करना है, अगर आपने उसमें से 900 रुपया ही रखा तो कुछ फाइन लगता है ऐसा, ठीक है? तो 900 रुपया, 1,000 रुपया से कम रखा, 900 रुपया, 100 रुपया ऐसा कुछ रखा तो आपको कुछ फाइन लगाएंगे, पेनाल्टी बोलते हैं उसको, लगाते हैं। मगर ऐसे जीरो बैलेंस, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत होता है जीरो बैलेंस करके, तो वो लोग को ऐसे खोल के रखते हैं और वहां पे बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। तो विड्रॉ बोलते हो, जब भी आप पैसा निकालोगे तो उसको क्या बोलोगे आप, विथड्रॉ। क्या बोलोगे आप जब पैसा निकालोगे तो? विथड्रॉ बोलोगे, आई वॉन्टेड टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम माई बैंक। अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो क्या बोलोगे, डिपॉजिट, मैं डिपॉजिट पैसा डिपॉजिट करने गई थी बैंक में, सो आई वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट 10,000 कैश टूडे। ओके सो विदड्रॉ और डिपॉजिट, ये की वर्ड्स याद रख लीजिए। सो शैल आई गो, सेविंग अकाउंट भी आपको चाहिए तो और डिटेल्स हम दे सकते हैं आपको। ओके मेन सेविंग अकाउंट में विड्रॉ डिपॉजिट सब कर सकते हैं, और वहां पर भी मल्टीपल टाइम्स आप विड्रॉल कर सकते हो सेविंग अकाउंट में। ओके ये मेन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर करंट अकाउंट में बैंक आपका जो भी पैसा है उस पर इंटरेस्ट नहीं देती है, नो इंटरेस्ट। मगर यहाँ पर आपको बैंक के बैंक, एक एक बैंक पे अलग अलग होता है, यहाँ पर आपको आपका जो भी पैसा है उस पर आपको बैंक इंटरेस्ट देती है, वो इंटरेस्ट आपको 3 से 5% तक ऐसे वेरी होता है, हर बैंक में अलग अलग होता है। तो मेन डिफरेंस क्या है, सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उल्टा चार्ज भी कर सकते हैं आपको। ओके और यहाँ पर जो मिनिमम बैलेंस है वो थोड़ा इस हाई रहता है, वो बैंक के ऊपर अलग अलग, एक एक बैंक में एक एक रूल्स रहता है कि 10,000 मेंटेन करना पड़ता है, कि 15, कि 25, वो अलग अलग होता है। ओके सो इज इट क्लियर, एनी डाउट्स इन दिस? दोनों अकाउंट में आप विड्रॉ कर सकते हो, आप डिपॉजिट कर सकते हो कभी भी जाके। करंट अकाउंट वाई, वही करंट अकाउंट क्यों खोलना है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर एक लिमिट रहेगा कि आपको एक दिन में 50,000 या 1 लाख के अंदर ही ट्रांसैक्शन कर सकते हो, मगर यहाँ पर करोड़ों में ट्रांसैक्शन होता है, तो उनको कुछ कंपनी को बोलने की जरूरत नहीं है, बैंक को पहले ही बोलने की जरूरत नहीं कि आज मैं इतना पैसा उठाने आ रहा हूँ या क्या है, कितना भी लैक्स में भी ट्रांसैक्शन कर सकते हैं। That's why, तो इसलिए बड़े बड़े कंपनीज ही ये खोलते हैं सेविंग अकाउंट्स। नॉर्मल रेगुलर अकाउंट है जो आम आदमी है खोल सकता है, और ये करंट अकाउंट, यही डिफरेंस है दोनों में। रितु जी अभी समझ में आया आपको करंट अकाउंट और इसमें? यस तो इसीलिए इंस्टीट्यूशंस और ये सब जो है
प्रिफर करते हैं कि करंट अकाउंट। आप देखोगे थे सब कॉलेजेस, बड़े बड़े स्कूल सब जो भी हैं करंट अकाउंट रखते हैं, ताकि उनका जो ट्रांसैक्शंस हो वो मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, और कितना भी अमाउंट चाहिए तो वो कर सकते हैं। ओके, क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? नो, शैल आई गो फर्दर? ओके, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है आपका फिक्स्ड बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट करके। इफ यू वांट मी टू अगेन राइट, आई विल राइट नीटली, आपको कंपेयर करके मैं बता सकती हूँ, नहीं तो आप मैं आगे बढ़ूं। फिक्स्ड डिपॉजिट पे जाओ। यस, सो पहला वाला क्या देखा हमने? सेविंग्स अकाउंट देखा था, उसके बाद में वी सॉ करंट अकाउंट। ओके, मैक्सिमम ट्रांसैक्शंस का स्पेलिंग ट्रांसैक्शन, ट्रांसैक्शन। ओके, राइट, सैक। ठीक है, एक्ट, ट्रांसैक्शन, एक्शन, एक्शन। ओके, ट्रांसैक्शन वो हर एक बैंक में अलग होता है बेटा। किसी में बोलते हैं अभी एटीएम में आप जाओगे तो कार्ड में डाल के विड्रॉ करते हो, तो किसी किसी कार्ड में 20,000 ही रहता है, किसी किसी कार्ड में 50,000 तक लिमिट रहता है। वो बैंक टू बैंक वेरिएशन होता है। ओके, इट इज नॉट फिक्स्ड फॉर एवरी बैंक, एवरी बैंक हैज इट्स रूल। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 5% में आपके पैसे के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये पर आना मैंने सालाना एक बार ही वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में, आप देखोगे तो आप पासबुक में लिखा रहेगा, आप पासबुक एंट्री कराते हो तो उसमें लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट पेड फॉर दिस ईयर करके कुछ 15 रुपया, 20 रुपया या 100 रुपया, जिस जितना आपने पैसा रखा है उसके ऊपर वो कैलकुलेट करके वो आपको इंटरेस्ट देते हैं। ओके, और आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, तो इट इज यू 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 डोंट हैव टू नो सो मच, बट स्टिल इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव नॉलेज, राइट? सो नाउ लेट्स गो टू द फिक्स्ड डिपॉजिट। नाउ फिक्स्ड डिपॉजिट वो मेनली क्या है, जो जिसके पास सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस मनी है। मान लीजिए आपके पास 50,000 या 60,000 ऐसे जमा हो गया है, तो घर में रखने के बदले आप बोलोगे मैं घर में रखूंगी, तो एक तो रिस्क फैक्टर भी है, घर में रखोगे तो होम में रखोगे तो रिस्क भी है, और दूसरा आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। घर में ऐसे ऐसे रखा रहेगा तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट, है ना? तो आप क्या बोलोगे, चलो मैं बैंक में डाल के रखती हूँ। अभी 50,000 रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी आप चूज कर सकते हो पीरियड। तो आपका जो पीरियड है, पीरियड यानी कि क्या, 7 दिनों से लेके आपको 10, मिनिमम 10 इयर्स, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम आप चुन सकते हो कितना समय आप अपना पैसा रखना चाहते हो। वो मान लीजिए कि यहाँ पे हम मेरे पास 50,000 रुपया है, और मैं मेरा इसको एफडी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो एफडी कराना चाहती हूँ, तो मैं 50,000 रुपया आई विल गो एंड डेपोजिट इन द बैंक। मीन्स फॉर दैट दे विल गिव मी एक पर्ची जैसा देंगे, उसमें लिखा रहेगा कि डेपोजिटेड 50,000, तो इसमें डेपोजिट डेट लिखा रहेगा और मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट यानी कि क्या, कि कब आपने चुना है कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, 3 साल। मान लीजिए मैं आज डेपोजिट कर रही हूँ, आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है, 27th है, 27/03/24 में मैं डिपॉजिट कर रही हूँ, डिपॉजिट डेट है, तो मेच्योरिटी मेरा 1 साल के बाद क्या हुआ, 26/03/25, 2025, ये मेरा मेच्योरिटी डेट है। ओके, सो दिस इज माय डिपॉजिट डेट, दिस इज माय मेच्योरिटी डेट। तो 1 साल के बाद मेरा ये 50,000 का जो भी इंटरेस्ट वो लगा है, इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर ये सेविंग अकाउंट से इधर ज्यादा रहता है, इसलिए लोग है ना सेविंग अकाउंट में नहीं रख के इसमें डालते हैं, क्योंकि यहाँ 5 से लेके 10% तक कुछ भी इंटरेस्ट रहता है, 3% नहीं रहता, 5 से ऊपर रहता है। तो इसीलिए आप पूछोगे तो मैं अगर वो तीन यहाँ पे 3% ही देंगे तो आप सेविंग्स में रख लोगे ना, क्यों इसमें डालोगे? तो इसमें क्या है, सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज्यादा रहता है,
सो 5 से 10% तक रहता है डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक। तो यहाँ पर ये जो मेच्योरिटी डेट है उसके बीच में आपने पैसा जरूरत है आपने निकाल लिया, क्या लिखा है कंप्लीट डेट 3 एंड 5 ईयर्स, क्या तो लिखा है प्रीति जी आप कंप्लीट बोलना चाह रहे हो क्या उसको? हाँ मेच्योरिटी डेट को कंप्लीट डेट, आप बोल रहे हो कंप्लीट, ओके। तो ये जो है आप उसके अंदर निकालना चाह रहे हो कि मान लीजिए कि मैं ये पैसा जो है मुझे अचानक जून में जरूरत पड़ गई मुझे, तो मैं निकालना चाह रही हूँ, तो बैंक जो है आपको इंटरेस्ट नहीं देगी और मे बी पेनाल्टी भी चार्ज कर सकती है कि आपसे कुछ पैसा काट के भी दे सकती है। अगेन इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, एवरी बैंक हैज देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इज इट क्लियर? तो आप एक फिक्सड पीरियड के लिए एक फिक्सड अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो, ओके? सो क्या है फिक्सड अमाउंट फिक्सड पीरियड के लिए आप जमा करते हो। और कुछ डाउट है इसमें? यस। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हो, 1 लाख 2 लाख कोई भी जो आपका है एफडी करा सकते हो। और कुछ तो आपको क्या है ये जो आपने जो अमाउंट दिया ना उसको ही प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। इसके साथ जुड़ के आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ये ही आपको ये जो अमाउंट मिलेगा आपको क्या मिलेगा? प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट जोड़ के आपको ये अमाउंट टोटल अमाउंट मिलेगा जब आपका मेच्योरिटी डेट आ जाएगा तो। और आजकल कैसा हो गया है, पहले सब ये डेट हो गया तो हमको बैंक जाके ये रिन्यूअल कराना पड़ता है, रिन्यूअल रिन्यूअल माने आपको वापस अगर जगता है आपको 1 साल के बाद भी ये पैसे की जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि मुझे और 1 साल डालना चाहिए तो आप जाके रिन्यू करना पड़ता है आपको। मगर आजकल क्या है आप नहीं कुछ बैंक गए तो ऑटो रिन्यूअल हो जाता है, क्या है? ऑटो रिन्यूअल। तो आप समझो ये तारीख को नहीं आए तो डिफॉल्टली वो रिन्यू हो जाएगा और 1 साल के लिए, वापस ऐसे ही जाता रहेगा जब तक आप जाके आपका पैसा आपको चाहिए नहीं बोले, तो ऑटो रिन्यूअल होता ही रहेगा। इसमें कुछ डाउट है? ऑटो रिन्यूअल मेच्योरिटी डेट से पहले लेना हो तो, वही बताया था ना मेच्योरिटी डेट से पहले लेना हो तो आपको फाइन चार्ज करेंगे, पेनाल्टी चार्ज करेंगे, ओके? आपका पैसा जो है अभी 50,000 है समझो, उसमें से आपको 100 रुपया या 200 रुपया, क्यों बैंक का फीस लगता है ना, लोग को पगार देके वहां बिठाते हैं सब, तो बैंक फीस करके कुछ काट के देते हैं, और वो कितना काट के देंगे करके हर एक बैंक पर अलग अलग होता है, इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। ऑल दीज थिंग्स गिविंग इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको ही स्पेड वर्क करना है कि SBI में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना दे रहे हैं करके आप अपना स्पेड वर्क ऑनलाइन में कर सकते हो। आप जिस बटन दबाओगे तो आपको आ जाएगा कि इस बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं और हमको किस किधर हमारा पैसा डालना चाहिए, सिंपल, ओके? एनी डाउट्स इन दिस? तो कल देखेंगे और कितने अकाउंट्स हैं, जैसे आज हमने देखा था सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्सड अकाउंट। सो व्हाट इज योर होमवर्क इज यू हैव टू डू इज आप अभी सर्च कीजिए और मुझे कल आके सबमिट कीजिए कि कौन से बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। आप अगर एक एफडी कराना चाह रहे हो तो कौन से बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं करके एक 4-5 बैंक में आप लोग गूगल करके मुझे बताइए, मैं देखती हूँ कौन कौन देखता है, ओके? तो सर्च कीजिए, अगर आपके पास कोई पैसा है आपको जाके अभी एफडी कराना है तो आप कैसे करोगे, आप कौन से बैंक में डालोगे, कौन सा बैंक सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है और कितना पीरियड, और एक पीरियड भी होता है ना, अभी मान लीजिए सॉरी रेट पीरियड है ना, दिस इज पीरियड राइट, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 7 दिन के लिए यहाँ पर रहेगा समझिए 6% इंटरेस्ट, तो आप ज्यादा दिन 1 साल के लिए डालोगे तो आपको 8% इंटरेस्ट, ऐसा हो सकता है कोई कोई बैंक में शॉर्ट पीरियड के लिए उल्टा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, ओके? तो हर एक बैंक में अलग अलग होता है, तो आप देखिए कितना पीरियड के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके? ये समझ में आई बात?
तो 1 साल के लिए इतना परसेंट इंटरेस्ट है, 7 दिन के लिए ये 7 डेज के लिए 6% है। कोई कोई बैंक में 7 डेज के लिए सम मान लीजिए 7% देते हैं और यहाँ पर 6% ही देंगे, तो अलग अलग होता है। तो आप अपना स्पीड वर्क करके मुझे बताइए कि आपको क्या आउटपुट मिला। ऑल राइट, थैंक यू चिल्ड्रन, एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल वाइंड अप द सेशन। यस, नो डाउट्स, ऑल राइट, जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।